जी टीवी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं के प्रति भेदभाव और मूलक व्यवस्था स्थिति और प्रावधानों को समाप्त करने की पहल की गई है और महिलाओं के प्रति गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए हर क्षेत्र में सम्मान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने के संबंध में राष्ट्रीय एवं राष्ट्र महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय महिला विधेयक जागरूक शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर का शुभारंभ मंजुलता सिंह बघेल ने किया है। इस दौरान महिला बाल विकास अधिकारी श्रीमती शांति बेल विशेष रूप से उपस्थित रही। महिलाओं के हित में लागू कानून के पालन में पुलिस विभाग की भूमिका और उनके हितों में लागू योजनाएं जानकारी पुलिस उपाधीक्षक निरीक्षक सरिका शर्मा ने बताया कि शिविर में महिला आयोग से श्रीमती मधुबाला चतुर्वेदी, श्रीमती अनिता राय एवं संजय श्रीवास्तव ने आयोग द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी है। इस मौके पर जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री दिव्या गुप्ता ने घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं को प्राप्त अधिकार एवं शिकायत दर्ज कराने के संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया का जानकारी अवगत कराया है। वही सीएल पटेल ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 166 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपने पास आई हुई पीड़ित महिला की शिकायत दर्ज नहीं करता तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत उसे कम से कम 6 महीने की कठोर कारावास और जुर्माना भी सजा हो सकती है। महिला विधेयक जागरूक शिविर के दौरान महाविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर से मुलाकात कर 2 दिवसीय शिविर की उपयोगिता के संबंधित अपने अनुभव बताए। कलेक्टर सभागार में कलेक्टर ने छात्रों को सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून अवगत कराते हुए यदि महिला एवं बेटियों की सशक्त हुई तो पूरा समाज देश के सशक्त होगा। इस दौरान कलेक्टर ने छात्रों को विशेष मार्गदर्शन किए। मध्य प्रदेश उमरिया जिले से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। अभी आज की विजिट में हमको यहाँ बंदी गृह लाया गया, दिखाया गया और जहाँ रिपोर्ट लिखी जाती है वहाँ का निरीक्षण मतलब दिखाया गया कि कैसे क्या यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जानकारियाँ दी गई। हमारी महिला बाल विकास की तरफ से हमारी DPO मैडम भी कल भी आई, आज भी आई, जिन्होंने कुपोषण के बारे में हमको बताया, मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीज़ों की आज हमको सब महिलाओं के बारे में जो हमारे अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया। और राज्य महिला आयोग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए रखा गया था जिसमें विजिट्स शामिल थी, जैसे पुलिस थाने की, कलेक्ट्रेट की, न्यायालय की। हमने उनकी विजिट्स कराई हैं और साथ ही 2 दिनों में विभिन्न रिसोर्स पर्सन के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया, जैसे कि न्यायालयीन प्रकरणों के बारे में, राजस्व न्यायालय के बारे में, महिलाओं से रिलेटेड उनके कानूनों के बारे में और साथ ही जनसंपर्क के माध्यम से महिलाओं के जो अधिकार हैं उन सभी की चर्चा बताएँ। माननीय राष्ट्रीय महिला आयोग के निर्देश हमें प्राप्त हुए जिससे हमें यहाँ 2 दिवसीय महिला विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाना था। वह शिविर हमारा कल से प्रारंभ था 28/5/18 से, आज 29/5/18 को इसका समापन है और इसमें हमें थाने की विजिट करवानी थी महिलाओं को और यहाँ कानून, यहाँ थाने में कैसे FIR लिखते हैं, किस तरह क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह FIR लिखी जाती है, कैसे उनको कंप्यूटर में डालने के पहले उनकी जांच की जाती है, सारी बातें हैं। इस 2 दिवसीय शिविर में हमारे आयोग की तरफ से, मध्यप्रदेश महिला आयोग की तरफ से, इन महिलाओं को कानूनी संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनको उनको जागरूक करने के लिए, तो अलग अलग विषयों को जागरूकता के लिए विभिन्न विषय विशेषज्ञों से उनको व्याख्यान दिला के उनको जागरूक किया गया, जिसमें जैसे आप मानेंगे कानून क्या है, कानून कैसे बनता है, इसके अलावा महिला सशक्तिकरण में घरेलू हिंसा कानून क्या होता है। बहुत सी महिलाओं को विभिन्न कानून तो मालूम होते हैं पर राजस्व न्यायालय क्या होता है इसका ध्यान नहीं होता। हम उसके बारे में बता रहे हैं कि आपके जमीन संबंधी विवाद, राजस्व न्यायालय क्या होता है, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपी खबरों के खिलाफ आप कैसे कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं, मेडिकल साइड में विभिन्न आपकी जो इलाज के दौरान आपके साथ कई बार गड़बड़ियाँ होती हैं तो उसके खिलाफ आप कानून के दायरे में उनको कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस विभाग के क्या कार्य होते हैं, पुलिस की कैसी कार्यप्रणाली होती है और पुलिस द्वारा किस प्रकार से महिलाओं के हित में काम किए जा रहे हैं, ऐसे पर हमने 8 विषयों पर इनको 2 दिन में विभिन्न तरह से विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास किया। महिला
सशक्तिकरण कार्यकर्ता यहाँ आई थी, जिनमें उसके संबंध में थाने के संबंध में सुबह से शाम तक जो पुलिस थाने का क्रियाकलाप है उसके संबंध में जानकारी दी गई उन्हें, और थाना प्रभारी के कर्तव्य, निदेशकों के कर्तव्य बताए गए, और SCM के बारे में बताया गया, और मालखाना दिखाया गया, जो जो उन जानकारी चाहिए गई उनको बताई गई।